हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं #window। तो गाइज, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं आखिर डिजिटल मार्केटिंग में कितने इंटरव्यूज देने चाहिए और कैसे देने चाहिए, इसी के बारे में आज का वीडियो होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइज, अक्सर ये दिमाग में चलता रहता है और मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड कि सर मेरा नहीं हो रहा है, मैंने नहीं हो रहा है। तो मैंने उनसे सिंपल से पूछ, यही बात आप देखिएगा, मैंने कमेंट में भी देखिएगा, मैंने इंस्टाग्राम पर भी लोगों से यही जवाब पूछा है कि आपने कितने इंटरव्यूज दिए हैं। और यही मैं सबसे पहला मेरा सवाल ही उनसे यही होता है कि आपने कितने इंटरव्यूज दिए हैं, आप मुझे ये बताइए पहले। तो वो बोलते हैं एक दिया है, दो दिया है। तो मैंने कहा कितने दिनों में दिया है? तो लास्ट हमने 1 month में हमने दो इंटरव्यू दिए थे, हमारा नहीं हुआ। तो गाइज, ऐसे काम नहीं बनता है। आपको डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में अगर रियली आपको कुछ करना है तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप सक्सेस नहीं पा सकते हो, ये गारंटी है। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो ऑलमोस्ट मैंने 16 से 18 इंटरव्यूज दिए थे 1 महीने के अंदर, और तब जाके मेरा 3 जगह हुआ था। वो तब की बात कर रहा हूं जबकि मैं फ्रेशर था और मुझे कुछ नहीं आता था, और तब मैं लगातार इंटरव्यूज दे रहा था। जो सबसे मेन कैच है कि आपको लगातार इंटरव्यूज देते रहना है, जो वो छोटा सा छोटा इंटरव्यू हो या बड़ा सा बड़ा इंटरव्यू हो। आप ये सोच के मत उसे टालिए कि ये इंटरव्यू मेरा तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ तो 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है या 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। अगर वो बंदा आपको बुला रहा है कि आ जाओ आप इंटरव्यू देने के लिए, तो आप इंटरव्यू देने ज़रूर जाओ। बट बस यही सिंपल सा होगा कि ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, थोड़ा टाइम जाएगा, थोड़ा पैसा खर्च होगा आपके आने जाने में, और आपको ना सुनना पड़ेगा। बट इसी बहाने एक आपका आप रिफ्रेश कर लेते हो कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपका मार्केट में, आप कितने स्टेबल हो, कि आपका नॉलेज लेवल क्या है। ये सारी चीज़ें आपको मालूम चल जाती है एक इंटरव्यू से। तो इसीलिए मैं बार बार आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि इंटरव्यू कभी मिस नहीं करना चाहिए। आप जितने ज़्यादा इंटरव्यू देंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और सिंपल बता रहा हूँ कि अगर आपने वीक के 4 इंटरव्यूज भी दे दिए तो आपका एक ना एक जगह होना बहुत ऑब्वियस है, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। बस सिंपल आपको 4 इंटरव्यूज पर वीक मैं बात कर रहा हूँ, आपको 4 या 5 इंटरव्यूज पर वीक आपको टारगेट फिक्स करना है। आपको ढूंढना पड़ेगा, आप ढूंढिए, ऑनलाइन जाइए, सर्च कीजिए, नौकरी देख लीजिए, इंडीड देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहां पर आपको जॉब इंटरव्यूज मिल जाएंगे फ्रेशर्स के और एक्सपीरियंस होल्डर के भी। तो आपको लगातार सर्च करना है और जाके जॉब जरूर देना है। अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं, अगर आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, आपको अपना टारगेट फिक्स करना पड़ेगा कि आपको पर मंथ का कम से कम 2 या 3 इंटरव्यूज आपको देने हैं। अगर आप इस तरह से अगर आप चुपचाप बैठ जाएंगे तो आपको जॉब चल के आपके पास नहीं आने वाली, आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। तो डिजिटल मार्केटिंग में अक्सर यही है फील्ड में चलता है, अगर आप फ्रेशर हैं तो 4 इंटरव्यू, अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो मंथ में कम से कम 3 से 4 इंटरव्यू आप दें। तो इसी के बारे में था आज का वीडियो। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इंटरव्यूज लगातार देते रहिए, अगर नहीं देंगे तो आपका होना इम्पॉसिबल है। ठीक है गाइज, तो यही था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, #window मेरा ID है, तो आप मुझे वहां पर जरूर फॉलो कीजिएगा। अगर कोई सवाल है तो आप मुझे वहां से भी पूछ सकते हैं, तो मैं वहां जवाब जरूर दूंगा। फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।